तो बॉलीवुड की एक और ऐसी मूवी देखनी पड़ गई जिसमें ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जिगरा मूवी के बारे में। देखो, इस मूवी का मैंने कोई ट्रेलर नहीं देखा था। मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कपिल शर्मा का शो आता है उसका सेकंड सीजन, उसका फर्स्ट शो मैं देख रहा था। एक तो वो बोरिंग शो देख रहा था, उसके ऊपर उसके फर्स्ट एपिसोड पे ये जो प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर आलिया भट्ट आ गई थी, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि हाँ भाई, जिगरा करके कोई मूवी आने वाली है। फिर यूट्यूब पे जाके मैंने इसका ट्रेलर देखा और ट्रेलर ने मुझे ये बता दिया था कि भाई मत देख, देखने लायक है नहीं मूवी। लेकिन फिर भी रिव्यू करना था और रिव्यू करने के चक्कर में भाई साहब पता नहीं क्या क्या चीजें मुझे झेलनी पड़ती है। और इस मूवी की लेंथ जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास है और मुझे ऐसा फील हुआ इस मूवी को देखने के बाद कि यार ये 2.5 घंटे बहुत ज्यादा कम है, कम से कम इस मूवी को 4 से 5 घंटे का होना चाहिए था, तब जाके लोगों को अच्छे से सर में दर्द करती, मतलब उनको मार ही देती। मतलब 4 से 5 घंटे में होती तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो थिएटर में मरे हुए ही मिलते हैं। हम बात करेंगे इस मूवी में कितना कुछ अच्छा है और कितना ज्यादा इसके अंदर खराब है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी की कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो डेफिनेटली आप लोगों को इसकी कहानी पता चल गई होगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर यानी जब आप मूवी देखने जाओगे आप सोचोगे क्या इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ना ही कोई सरप्राइज, कोई टर्न एंड ट्विस्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ट्रेलर देखो, इस मूवी की कहानी पता चल जाएगी। और जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा तो मैं हूं ना बताने के लिए, वैसे भी वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज करनी है। तो एक सत्या करके एक लड़की है जिसका छोटा भाई है अंकुर। अब सत्या अपने भाई यानी छोटे भाई को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इन दोनों के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, जब मतलब सत्या जो है अपने छोटे भाई का ही स्टार्टिंग से एक बहुत ज्यादा ख्याल रखती आ रही है, बहुत उसको बचाती आ रही है। और इनके रिश्तेदार काफी ज्यादा दोगले वाले हैं, मतलब जैसे रिश्तेदारों को होना चाहिए था दोगलापन उनके अंदर होना चाहिए था, वो चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। अब सत्या का जो भाई है यानी अंकुर, वो किसी काम के लिए बाहर देश जाता है, लेकिन वहां जाकर उसको मतलब वो एक गिरफ्तार हो जाता है और वहां पर उसको सजा होती है मौत की। अब जैसे ही ये बात सत्या को पता चलती है, वो अपने भाई को बचाने के लिए उसी देश में चली जाती है। तो क्या वो अपने भाई को बचा पाएगी, बचा भी पाएगी तो कैसे वो बचा पाएगी और क्यों वो गिरफ्तार हुआ, तमाम ये सवालों के जवाब के लिए तो देखो आपको ये मूवी देखनी होगी कि नहीं देखनी होगी, पहले तो ये वीडियो देख लो, फिर खुद डिसाइड कर लेना कि हाँ ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो ये होगी मूवी की कहानी। अब बात करते हैं कि इस मूवी में क्या अच्छा है। जो एक भाई बहन का जो प्यार इसके अंदर दिखाया गया, जो बॉन्डिंग जिस तरीके की इसके अंदर दिखाई गई है, वो मुझे काफी सही लगी। एक सीन आता है इस मूवी के अंदर जब सत्या को जैसे पता चलता है कि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जैसे वो भाग कर अपने भाई से मिलने जाती है वो दूसरे देश के अंदर, मतलब पहले तो ऑब्वियसली वो प्लेन के अंदर ही जाती है फिर वो भागती है, तो जिस तरीके की उसके अंदर हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो चिंता, वो टेंशन, वो चीजें दिखाई गई है, वो वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब कमाल का सीन है, बेस्ट सीन मुझे इस मूवी के अंदर वही चीज लगी है। कभी कभी मूवी काफी अच्छी फीलिंग देती है, कुछ एक सीन ऐसे इसके अंदर आते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, जिसको देखकर लगता है कि हाँ यहाँ पर ये जो मूवी है वो काफी बढ़िया है। लेकिन वो कभी कभी आती है, चाहे वो इमोशनली बात कर लो, चाहे वो भाई बहन के वे से बात कर लो, लेकिन बाकी टाइम ये क्या फीलिंग देती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी इसके फर्स्ट हाफ की अगर बात करूं, फर्स्ट हाफ यानी इसकी आधी मूवी की अगर बात करूं, तो वो बढ़िया है, क्योंकि जिस तरीके की कहानी डेवलप हो रही होती है वो एक इंटरेस्ट आता है उस मूवी के अंदर। सेकंड हाफ की हम इसके नेगेटिव के अंदर बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकंड हाफ कितना अच्छा है कितना बुरा अभी रुक जाओ उसके बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हाँ, परफॉर्मेंस सबकी अच्छी मुझे लगी। तो ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है मूवी की। अब आते हैं इस मूवी की जो कमियां हैं उनके ऊपर। आलिया भट्ट को जिस तरीके से इसके अंदर पोर्ट्रेट किया गया एक एक्शन हीरोइन के तौर पर, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा एक गलत डिसीजन रहा, क्योंकि हमें वो फीलिंग ही नहीं आती उनको एक्शन हीरोइन के तौर पर देखते हुए। वहां पर बहुत मुझे लगता है कि कमी है वहां पर, उनको उस चीज के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए था। इसके अलावा फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करूं तो मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ ठीक है, लेकिन इसका सेकंड हाफ बहुत ज्यादा निराश करता है। इस हद तक निराश करता है कि आपके दिमाग में दर्द हो जाएगा, दिमाग का भरता बन जाएगा, इस तरीके का सेकंड हाफ है। मतलब जो एक आप उम्मीद लगा चुके होते हैं फर्स्ट हाफ को देखकर कि हाँ मूवी की एंडिंग अच्छी हो सकती है, इसका सेकंड हाफ अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं, सेकंड हाफ तो ऐसा समझो कि जो आपने फर्स्ट हाफ देखा था थोड़ा बहुत आपका मूड सही रहा था उसको मतलब एकदम बर्बाद कर देता है, इतना ज्यादा निराश करता है सेकंड हाफ। आप ऐसे समझो कि सेकंड हाफ के अंदर जैसे जेल ब्रेक करने को इसके अंदर दिखाया गया, जिस देश के अंदर ये मूवी दिखाई गई है कि वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योर जेल है, बहुत हाईटेक जेल है, दुनिया की सबसे सेफ जेल में उसको कंसिडर किया जाता है, उस जेल को तोड़ने की जो प्लानिंग बॉलीवुड के द्वारा की गई है वो यार मैं सच कहूं वो हैरान तो क्या करें, मतलब वो हजम नहीं होती है उसको देख कर, मतलब आप अपना सर खुद खुजाने लग जाएंगे कि यार ये क्या देख रहा हूं मैं। मतलब इस लेवल के सोचने वाले इंसान भारत के अंदर भी है, इतनी घटिया प्लानिंग कर रखे हैं वो। जिस इंसान ने मतलब जो सत्या है, जिसने आज तक कभी जेल नहीं देखी है, जिसने आज तक कुछ कोई गलत काम नहीं किया है, उसने कोई मतलब गैंगस्टर चीज के अंदर जाके नहीं देखा है कि क्या होती है, कैसे कोई क्राइम होता है, कैसे जेल होती है, वो इंसान यहाँ पर वो लड़की जो है वो जेल ब्रेक करने जा रही है, और जिस तरीके की जेल ब्रेक कर रही है, कैसे ब्रेक कर रही है, क्यों ब्रेक कर रही है, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। मतलब सेकंड हाफ में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती है जो समझ में नहीं आ रही होती, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या जरूरत है उस चीज की, वो इस कदर दिमाग खराब कर देते हैं। अगर यहाँ पर स्किप कोई बटन होता
मैं डेफिनेटली उस स्किप बटन को दबाकर इसकी एंडिंग पे पहुंच जाता और मूवी की कहानी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी है उनको आसानी से पता चल जाएगा कि इस मूवी की एंडिंग में क्या होने वाला है। मतलब जिन्होंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देखकर ही वो बता सकते हैं कि इस मूवी की एंडिंग में क्या होने वाला है। इस कदर ये प्रेडिक्टेबल कहानी, इवन मैं बता भी, मतलब जितनी बात बोल रहा हूं आपको, डेफिनेटली अगर आपने मूवी नहीं देखी है, ये रिव्यू सुन रहे हो, मतलब उससे आपको पता चल जाएगा इसकी एंडिंग में क्या होने वाला है। जो मैंने इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताया कि वो सत्या जो अपने भाई को बचाने जाती है, खैर वो चीज तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि स्पॉइलर आ जाएगा वहां पर। और अगर आप बात करें मूवी की एंडिंग की, वो यार इतनी ज्यादा बेकार मुझे एंडिंग लगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस एंडिंग को देखकर हंसूं या रोऊं या फिर क्या करूं मैं उस एंडिंग को देखकर। बस इतना समझ लो कि मैं सही सलामत थिएटर से बाहर आ गया, इस कदर परेशान करती है। ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो, फर्स्ट हाफ मूवी का ठीक है, सेकंड हाफ इस मूवी का इतना ज्यादा निराश करता है कि वो आपके ऊपर, आप इसको झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, आपके दिमाग का वो भरता बना देता है। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों का इसलिए आपकी क्या राय है। अगर नहीं देखे तो रिव्यू आपके सामने है, कुछ टाइम बाद जब ये OTT पे आए तो उसको वहां पर देख सकते हैं, मतलब स्किप कर करके आप आसानी से उस चीज को वहां पर देख ही सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।